इसका सॉल्यूशन मैम ने लिखा है सिमेट्रिक डिफरेंस भी, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस इसके फार्मूले, इसका कांसेप्ट हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, यू कैन वॉच दैट एंड देन यू कैन सॉल्व इजीली। सो वी आर राइटिंग ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू सेट ए एलिमेंट्स 2 4 6 8 देन सिमेट्रिक डिफरेंस सिंबल ब्रैकेट स्टार्ट सेट बी एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 क्लोज। I am repeating again, symmetric difference में क्या होता है, या तो element set A में हो या B में हो, जो दोनों set में common element है वो हम subtract करते हैं। So we will write A symmetric difference B is equal to, क्या इन दोनों sets में कुछ common है, ये even numbers है ये odd numbers, कोई भी element same नहीं है, मतलब हम minus नहीं करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें दोनों सेट्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्योंकि हम माइनस करते हैं कॉमन एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, इसलिए हमने दोनों सेट्स लिखे। क्वेश्चन नंबर 13, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, पहले कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं देन उसका डिफरेंस करेंगे इस सेट ए के साथ। सो सॉल्यूशन A difference B complement, B complement equal होता है universal set minus the given set B, so U minus B लिखेंगे, उसके बाद set U के elements वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 then 9 bracket close difference symbol bracket start set B elements these are 1 3 5 7 9 bracket close। तो B complement is equal to क्या मिलेगा हमारे पास, पूरा सेट अगर माइनस हो जाए तो क्या बचेगा इसमें से 2 4 6 8 then bracket close। B complement हमें मिल गया, फर्दर हम यहां सॉल्व करते हैं, B complement का डिफरेंस करेंगे A के साथ, A difference B complement is equal to set A के elements ये है 2 4 6 8 bracket close then difference B complement ये जो भी सॉल्व किया 2 4 6 8 bracket close set A में से माइनस करें B complement को, ये पूरा सेट माइनस करना होगा इसमें से, यही मतलब है डिफरेंस का, अगर ये पूरा सेट इसमें से माइनस हो जाए तो क्या बचेगा, हो गए क्या बचेगा नथिंग, इसलिए हमने लिखा अंदर सेट दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट से तो माइनस हो गए। नंबर 14, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी, फर्स्ट वी विल सॉल्व ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस द गिवन सेट ए, सो वी विल राइट यू माइनस ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 bracket close then difference set A के elements these are the elements 2 4 6 8 bracket closed। A complement हमें मिला, ये पूरा set इसमें से minus हो जाए क्या बचेगा, just odd numbers 1 3 5 7 9 bracket closed। A complement मिल गया, अब इसकी symmetric difference करेंगे B के साथ, फर्दर हम यहाँ सॉल्व करते हैं, A complement symmetric difference B is equal to A complement, these are the elements 1 3 5 7 9 bracket close symmetric difference symbol bracket start set B elements 1 3 5 7 9 bracket closed। A complement symmetric difference B is equal to, क्या करते हैं symmetric difference में, just दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स माइनस करते हैं, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स है तो सारे माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा जस्ट नल सेट, सो दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे देन उसकी इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ देन जो है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, so we will write solution A complement intersection B whole complement, A complement is equal to universal set minus the given set A, so
यूनिवर्सल सेट माइनस द गिवन सेट ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस द गिवन सेट ए एलिमेंट्स 2 4 6 8 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिला, ये पूरा सेट अगर माइनस हो जाए तो जस्ट हमारे पास ऑड नंबर्स बचेंगे। सो दिस इज अवर ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ इंटरसेक्शन करेंगे इसकी डी के साथ। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ये जो अभी हमने सॉल्व किए 1 3 5 7 9 वेरी गुड क्लोज एंड इंटरसेक्शन सेट बी एलिमेंट्स दीज आर द सेट बी एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 वेरी गुड क्लोज। क्या मिलेगा हमें इंटरसेक्शन में, क्या करते हैं क्या करते हैं जस्ट दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स है वो नोट करते हैं। तो ये तो ये सारे एलिमेंट्स दोनों सेट के सेम हैं तो हम लिखेंगे 1 3 5 7 9। नाउ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होती है यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 9 देन माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये जो अभी सॉल्व किए 1 3 5 7 9 ब्रैकेट क्लोज डिफरेंस मींस माइनस करें ये पूरा सेट यूनिवर्सल सेट में से माइनस होगा दिस वन। अगर ये सारे ऑड नंबर्स माइनस हो गए तो क्या बचेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा इवन नंबर्स के 2 4 6 8 जो लेस देन 10 है। सो दैट्स आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15।